दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मॉर्टेल इंसेक्टिसाइड के बारे में। इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, कौन कौन सी फसलों में यूज कर सकते हैं, कौन कौन से इंसेक्ट को ये प्रभावी रूप से कंट्रोल करता है, परफेक्ट डोज क्या है, जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनिता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट। दोस्तों पारिजात इंडस्ट्रीज के मॉर्टेल इंसेक्टिसाइड के केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें आता है फिप्रोनिल 5% एसी फॉर्म में ये आता है। फिप्रोनिल रिजेंट में भी आता है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जिनमें फिप्रोनिल 5% एसी फॉर्म में आता है, तो ये सेम ही वर्क करते हैं। केमिकल कंपोजिशन अगर सेम होता है तो वर्क भी इनका सेम होता है, इसकी जगह आप उनको भी यूज कर सकते हैं। यह है एक सिस्टमिक प्लस कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड है। अगर दोस्तों इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो इसका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल ही डिफरेंट है। सिस्टमिक तरीके से भी काम करेगा, जैसे स्टेम बोरर वगैरह की समस्या आती है, गोभी में किस तरीके से लटे पड़ जाती हैं, तने में लट पड़ जाती हैं, तरबूज में अभी बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, तो ये सिस्टमिक तरीके से उनको कंट्रोल करता है, लटों को किल करता है। उसके साथ इसके संपर्क में आने वाले जो कीट पतंगे वगैरह उनको भी ये किल करता है, कंट्रोल करता है। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल ही डिफरेंट है और बहुत ही यूनिक। अब अगर इंसेक्ट की बात करें कि ये कौन कौन से इंसेक्ट को कंट्रोल करता है, तो दोस्तों व्हाइट ग्रब की समस्या बहुत ज्यादा आती है, व्हाइट ग्रब को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। स्टेम बोरर है, रूट बोरर है, फ्रूट बोरर है, उसके साथ ही एफिड्स है, दीमक है, व्हाइट फ्लाई है, जेसिड्स है, ब्राउन प्लांट होपर, ग्रीन लीफ होपर, व्हाइट बैक लीफ होपर, डायमंड बैक मोथ आदि बहुत तरीके के इंसेक्ट को ये कंट्रोल करता है। अब दोस्तों अगर फसलों की बात करें कि इसको कौन कौन सी फसलों में यूज कर सकते हैं, सब्जी वर्गीय फसलें जिनमें स्टेम बोरर की समस्या बहुत ज्यादा आती है, फ्रूट बोरर की, रूट बोरर की समस्या बहुत ज्यादा आती है, स्पेशली गोभी में देखिए किस तरीके से लटे पड़ जाती है स्टेम में, उसके साथ ही मिर्च, टमाटर, बैंगन, भिंडी, बहुत सारे लगभग सभी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलों में इसका यूज किया जाता है। बागवानी में दोस्तों रूट में दीमक की समस्या बहुत ज्यादा आती है, प्लांट्स में दीमक की समस्या के साथ साथ व्हाइट ग्रब की भी समस्या आती है, स्टेम बोरर की भी बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिलती है प्लांट्स में भी, तो ये सभी तरीके के इंसेक्ट को कंट्रोल करता है। इसलिए बागवानी में जैसे अनार है, मौसम्बी, किन्नू है, संतरा है, ग्रेप्स हैं, यानी लगभग सभी प्रकार के पौधों में आप इसको यूज कर सकते। इसके साथ ही धान, कपास, गन्ने, गन्ने में भी स्टेम बोरर की समस्या देखने को मिलती है, तो आप गन्ने में भी इसका यूज कर सकते हैं, यानी लगभग सभी प्रकार की फसलों में इसका यूज। अब दोस्तों इसके यूज करने का तरीका और परफेक्ट डोज क्या है, इस पे अगर डिस्कस करें तो इसको दो तरीके से यूज किया जाता है, एफिड्स, जेसिड्स, व्हाइट फ्लाई वगैरह जिस तरीके के इंसेक्ट का प्रकोप है तो आपको स्प्रे करना चाहिए, लेकिन अगर दीमक है, व्हाइट ग्रब है, रूट बोरर है, स्टेम बोरर है, इनकी समस्या है तो फिर आपको पानी के साथ चलाना है, चाहे सब्जी वर्गीय फसलें हों चाहे पौधे हों। परफेक्ट डोज भी दोस्तों अलग अलग रहेगी, पौधों में अगर बागवानी में आप यूज कर रहे हैं तो पर प्लांट 2 ml लेना है, एक पौधे के लिए 2 ml लीजिए, 5 लीटर पानी लीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए, पौधे की चारों तरफ अच्छे से डालना है कि हर रूट तक पहुंच जाए। अगर दीमक वगैरह की समस्या है, व्हाइट ग्रब वगैरह की समस्या है तो आपके पौधों के चारों तरफ से लेना है। पौधा बड़ा है तो आप 10 लीटर पानी ले सकते हैं, आपको फिप्रोनिल लेना है सिर्फ 2 ml, अच्छे से मिक्स करते जाइए और हर पौधे में आप डालते जाइए। लेकिन सब्जी वर्गीय फसलों में आप यूज कर रहे हैं और जैसे कि एफिड्स, जेसिड्स, व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स वगैरह के आप लिए यूज कर रहे हैं तो 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके आप स्प्रे कीजिए। रूट बोरर की समस्या है, स्टेम बोरर की समस्या है तो फिर आपको ड्रिप से चलाना है, या पानी आप जिस भी विधि से चला रहे उस अनुसार आप चलाइए, पानी के साथ में जाना चाहिए, रूट में जाना चाहिए, ये डोज सेम रहेगी, आप चाहे स्प्रे करें चाहे आप रूट में ड्रिप से चलाएं। 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है, स्प्रे कीजिए या फिर आप ड्रिप से चलाइए। 1 एकड़ के लिए आपको यूज करना है 200 लीटर पानी में, आप 200 ml यूज कर सकते हैं, सफिशियंट डोज रहेगी। दोस्तों और भी अगर किसी भी टाइप की समस्या है तो छोटी सा वीडियो क्लिप बनाइए, फोटो खींचिए और आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम सजेशन देने की कोशिश करते हैं, तो आप हमसे भी हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर लीजिए।
जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।